राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग SC ST एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति अपराध करने वाला यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति उस समुदाय के लोगों के प्रति कोई अपराध करने वाला है और इस बात की सूचना चाहे परिवार के माध्यम से या पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से विशेष न्यायालय को प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में विशेष न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है कि उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ ये संदेह है वो अपराध करेगा उसे उस क्षेत्र में उस रास्ते से उस स्थान में जाने से अधिकतम 3 साल के लिए रोक लगा सकता है, जिसे नाम दिया गया है जिला बदर। तो इसी विषय पे विधवत चर्चा हम लोग करेंगे कि किस व्यक्ति पर इस तरह से आरोप लगाया जाता है, कौन सा न्यायालय उसको जिला बदर का आदेश देता है, ये आदेश अधिकतम कितने समय के लिए होता है, क्या इस आदेश को बीच में वापस लिया जा सकता है या नहीं, अगर वो नहीं जाता है जिस व्यक्ति को जिला बदर का मतलब जिले से बाहर जाने का आदेश दे दिया जाएगा, आप उस स्थान पे जा नहीं सकते हो, आप उस जिले में नहीं जा सकते हो, इस तरह का आर्डर दिया जाता है, तो वहां जाओगे नहीं तो अपराध होगा नहीं, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब जो आरोपी है जिसपे संदेह है कि वो अपराध करेगा, जब वही वहां नहीं रह जाएगा तो अपराध करेगा। अगर वो नहीं जाता है आदेश दिए जाने के बाद, तो उसकी गिरफ्तारी कैसे कराई जाएगी, फिर अब वो ही व्यक्ति है कि नहीं, तो उसका होलिया भी तो लिया जाता है, उसका माप, उसका फोटो, ये सब लिया जाना, माप फोटो नहीं दे रहा है तो क्या होगा, ठीक। उसके बाद अगर वो नहीं जा रहा है, बीच में पहले वापस आ गया, तो ऐसे आदेश का अनुपालन कर रहा है विशेष न्यायालय के, तो उसे कितनी सजा दी जा सकती है, इन सभी विषयों पे विधवत चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जैसा कि यहाँ पे नोट किया गया है कि हमारे यहाँ PCSJ APO और HJS की तैयारी भी कराई जाती है, जो बच्चे LLB करने वाले हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं, ठीक है, उन सभी लोगों के लिए, ठीक है, अगर वो तैयारी में आना चाहते हैं या प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। तो साथ ही साथ चैनल पे बहुत सारे वीडियोज भी आपको IPC, CRPC, CPC, एविडेंस के बारे में मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे माइनर लॉज हैं, चाहे वो SC ST एक्ट हो, दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो, इन सब पे भी चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, आपको कोई भी जानकारी की जरूरत है तो वहां से आप सर्च करके जो है अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बात नहीं भी समझ में आती है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते हैं इसको, इसी को जिला बदर का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को एक जिले से दूसरे जिले में भेज दिया जाए कुछ समय के लिए कि आप यहाँ नहीं आ सकते हो, तो इसी को जिला बदर कहते हैं। ऐसा 2 दशाओं में है, एक जब किसी व्यक्ति पर गुंडा एक्ट लगता है तब जिला बदर किया जाता है, और दूसरा जब किसी व्यक्ति पर ये संदेह हो कि वो अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कोई अपराध करने वाला है, अध्याय 2 के तहत यानी SC ST के तहत, तब उसको भी जिला बदर करने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ जो हम जिला बदर की बात कर रहे हैं वो गुंडा एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि SC ST एक्ट के तहत जब स्पेसिफाइड है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र में, समझिएगा, किसी ऐसे क्षेत्र में जिसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया, अब कहां घोषित किया जाएगा, जहां पे बहुतायत संख्या में अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, उस क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे
आप देखेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 254 इसी से जुड़ा हुआ है, शेड्यूल 5 और 6 इसी से जुड़ा हुआ है। तो आपका असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, इन राज्यों को पूरा का पूरे राज्यों को ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र डिक्लेयर किया गया है। तो जहां भी इस तरह का क्षेत्र घोषित किया गया है, अगर ये डाउट है किसको, विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय मतलब एससी एसटी कोर्ट को, चाहे वो एससी एसटी कोर्ट की पावर जिला न्यायालय को ही दी गई हो, यानी जो सत्र न्यायालय उसी को दिया गया हो, या कोई अलग से स्पेशल कोर्ट बनाया गया हो एससी एसटी को, तो उस स्पेशल कोर्ट का जब ये समाधान होता कैसे, चाहे उसके समक्ष शिकायत किया गया हो, परिवाद आया हो, चाहे FIR दर्ज हुई हो और वो चालान बन करके कोर्ट में पेश हो, तो उसके आधार पे अगर ये डाउट है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ऐसे क्षेत्र में कोई अपराध करेगा, तो करेगा तो ऐसे व्यक्ति को उस क्षेत्र से, उस रास्ते से, उस मार्ग से जाने से रोक दिया जाता है, चाहे विशेष कोर्ट को उसको उस जिले में आने से भी रोक सकता है। कितने समय के लिए, ऐसा आदेश अधिकतम 3 साल के लिए एक बार में दिया जा सकता है। तो 3 साल तक आप उस क्षेत्र में, उस रास्ते से, उस मार्ग से नहीं जा सकते हैं, और जिला बदल कर दिया गया तो आप उस जिले में भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पज क्या है, प्रिवेंटिव नेचर का उद्देश्य है, अपराध को होने से रोका जाए, अपराध ना। अब वही मैंने यहाँ लिखा कि विशेष न्यायालय परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसे जिला बदर का आदेश दे सकेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, धारा 10 में इसका उल्लेख किया गया है, कहाँ पे, SC/ST एक्ट 1989 में। अब जब आदेश दिया जाता है तो जिसको आदेश दिया गया वो तो चला जाएगा, ठीक, तो जो उसके परिजन है, घर के लोग, वो चाहे तो उस कोर्ट में, उसी स्पेशल कोर्ट में जिसने आर्डर दिया है, 30 दिन के भीतर, 30 डेज का टाइम होता है आदेश दिए जाने की तारीख से, 30 दिन के भीतर उसी स्पेशल कोर्ट में जिला बदर का दिया गया आदेश, यानी बाहर जाने का दिया गया आदेश रद्द कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। किस आधार पे, कि साहब जो आदेश यहाँ, जो आधार आपको बताया गया, जो सूचना आपको दी गई, वो सूचना सत्य नहीं है, ऐसा कोई अपराध नहीं करने वाला उस क्षेत्र में कभी जाता ही नहीं है, मतलब आप उसका खंडन करके, ऐसा साक्ष्य दे करके कोर्ट को, कोर्ट के आदेश को वापस लेवा सकते हैं। तो कोर्ट का समाधान हो जाएगा कि जो उसने आर्डर पास किया है वो गलत तथ्यों पे दे दिया गया, तो कोर्ट अपने आदेश को वापस ले सकेगा। अगर ये आदेश दिया गया धारा 10 में, धारा 10 में ही मैंने आर्डर देने की पावर है, आर्डर दिया गया लेकिन वो व्यक्ति उस क्षेत्र में बार बार फिर भी जा रहा है, उस स्थान से जा रहा है, उस मार्ग से गुजर रहा है, नहीं बाहर गया है, यानी आदेश का पालन नहीं कर रहा है, तो न्यायालय उसे गिरफ्तार करवा सकता है, उसे गिरफ्तार करवा सकता है, और गिरफ्तार करवाने के बाद फिर उसको होशपूर्वक, बलपूर्वक उसे वहां जाने से रोक दिया जाएगा या जिला बदर कर दिया जाएगा। अब ये तो धारा 11 में गिरफ्तारी की बात लिखी हुई थी, ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी वीडियो अपलोड किए जाए जिससे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंच जाया करे। माप और फोटो, जब जिस व्यक्ति को धारा 10 में जिला बदर का आदेश दिया जाता है, वो कौन व्यक्ति, पता चले वो रूप बदल करके या खुद ही वो वहां आ जा रहा है, लोग जान ही नहीं रहे कि उसको जिला बदर का आदेश दिया गया, तो पेपर में भी तो निकलवा दिया जाता है, तो उसका माप, उसकी लंबाई क्या है, उसका चेहरा फेस कैसा है, तो उसका फोटो लिया जाता है, जिससे उसको विज्ञापित कराया जा सके, लोग उसको समझ सके कि इस व्यक्ति को यहाँ जाने से रोका गया है, अगर वो आए तो लोग आपत्ति कर सके और उसकी सूचना अथॉरिटी को दे सके, तो इसको उसका माप, यानी यही इसको होलिया कहते हैं, धारा 12 क्या है, होलिया, उसका माप, उसकी हाइट क्या है, लंबाई क्या है, उसका चेहरा, यानी उसका फोटो भी लिए जाने का जो है यहाँ पे आधार अथॉरिटी को मिला हुआ है, कि वो जब आदेश दिया जाएगा तो पुलिस अथॉरिटी उसकी माप और फोटो ले सकेगी। अगर वो विरोध करता है, माप और फोटो नहीं देता है, तो बलपूर्वक माप और फोटो उसका लिया जाता है। कुल मिलाकर के माप और फोटो लिया जाना मैंडेटरी, बिना होलिया के कोई पहचान कैसे पाएगा, तो ये अनिवार्य है कि उसका होलिया लिया ही जाएगा हर। अब होलिया लिए जाने के बाद
अगर बीच में ही कोई आदेश कोर्ट ने अपना रद्द कर दिया, कोर्ट का आदेश रद्द हो गया, तो जो उसका माप और फोटो लिया गया है नेगेटिव बना हुआ है वो सब क्या होगा, वो सब नष्ट कर दिया जाता है। यानी फोटो हो नेगेटिव हो जो कुछ रिकॉर्ड बनाया गया या लिया गया वो सब क्या किया जाएगा, नष्ट कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बीच में जब किसी व्यक्ति को इस तरह का आर्डर दिया जाता है तो बीच में उसे ठीक है बंध पत्र पे कुछ शर्तों पे अस्थायी तौर से लाया जा सकता है कुछ समय के लिए। अगर कोई फेस्टिवल कोई घर में कार्यक्रम पड़ गया तो बीच बीच में वो कोर्ट को सूचित करके कोर्ट के परमिशन से आ सकता है। लेकिन अगर आर्डर ही रद्द हो जाए तो जो माप और फोटो लिया लिया गया है वो सब रद्द कर दिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ ये आदेश दिया गया है वो बीच बीच में बिना आर्डर के ही चला जाता है, राहत में चला आता है उस क्षेत्र में, ठीक है, जैसे कोरोना काल में जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया थोड़ी थोड़ी दूर पे घर से, वो लोग रात में आके घर पे लेटते थे, तो यहाँ पे भी कहा गया कि अगर वो व्यक्ति आदेश का अनुपालन करता है यानी नहीं जा रहा है आदेश देने के बाद भी, या बीच बीच में चला आया करता है बिना परमिशन के, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। यानी ये सजा है कि आदेश का उल्लंघन करने पे 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना आप इम्पोज किया जा सकता है। और होलिया या माप ले जाने का विरोध करोगे तो आईपीसी की धारा 186 का अपराध बनेगा। आईपीसी की धारा 186 का अपराध बनता है अगर आप होलिया लिए जाने का विरोध करते हैं तो। और अगर धारा 10 में जो आर्डर कोर्ट ने पास किया है उसका पालन नहीं करते हैं तो 1 साल तक का मैक्सिमम कारावास, जो कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं, प्लस जुर्माना जरूर लगाया जाएगा। ये आर्डर धारा 13 में दिया गया। तो इस तरह से उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि जिला बदर का प्रावधान किया गया है वो क्यों किया गया है, इसका ऑब्जेक्ट मेन प्रिवेंटिव नेचर का है कि जो एक संभावना है कि वहां अपराध होगा उस अपराध को होने से रोका जा सके, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। सेम ऐसे ही प्रावधान अन्य अपराधों को करने पर भी गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर डीएम के द्वारा किया जाता है। तो जो अदर गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया जाता है वो डीएम के द्वारा किया जाता है जब थाने से रिपोर्ट पहुंचती है, और यहाँ पे जो जिला बदर जैसा प्रावधान है वो न्यायालय के द्वारा किया जाता है जो स्पेशल कोर्ट SC/ST एक्ट के मामले को सुनवाई करने के लिए बनाया गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।